मेट्रो के दाम ये तो वार्षिक थे, बढ़ेंगे जो बढ़ेंगे। उससे बेरोजगारी तो देखो किसी में भी चल जाओ, बेरोजगार तो ऐसी चीज है जो पढ़े लेवल के लिए उसमें है स्कोप। कैसे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जाओ खुद का बिजनेस लगाओ ने। क्या हिंदू धर्म की सबसे बड़ी डिमांड थी राम मंदिर, वो हो गया। मेट्रो के दाम ये तो वार्षिक थे, बढ़ेंगे जो बढ़ेंगे। आजकल के जितने भी जो बच्चे ये स्टूडेंट वगैरह जो भी है उनकी थिंकिंग ये हो गई कि मैं 5,000 की नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो 20,000 की नौकरी चाहिए, मेरे को 30,000 की नौकरी चाहिए। कारण ये है जिससे जिससे आदमी की आवश्यकता बढ़ती है वैसे भी मार्केट में। पहले हम बस से जयपुर जाते थे, आज जैसे जैसे लोगों की इच्छा होगी पर्सनल साधन लेके जाएंगे तो जो जितनी डिमांड होगी एक घर में, जैसे आदमी पहले पर्सनल एक घर में एक साधन होता था, आजकल अगर घर में जैसे 10 बंदे हैं तो उनके सबके पास 10 साधन है, तो 10 साधन होंगे, वो 10 अपने अलग अलग काम के लिए जाएंगे या तो एक साधन से जाते विथ फैमिली तो सबका काम हो जाता। अब वो अलग अलग जाएंगे तो हर चीज़ में होगा, वो तो पेट्रोल तो बढ़ेंगे उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, पेट्रोल और महंगाई जो और बेरोजगारी जो बढ़ रही है लोग बाग उससे बेरोजगारी तो देखो किसी में भी चल जाओ, बेरोजगार तो ऐसी चीज़ है कि जब बिजनेस हर काम जो बंदा पढ़ा लिखा हुआ है वो बेरोजगार जो करना चाहता है। अब आजकल के जितने भी जो बच्चे ये स्टूडेंट वगैरह जो भी है उनकी थिंकिंग ये हो गई कि मैं 5,000 की नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो 20,000 की नौकरी चाहिए, मेरे को 30,000 की नौकरी चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उन्होंने पढ़ाई उस लेवल की है तो 5,000 की नौकरी क्यों करेंगे, जो पढ़े लेवल के लिए उसमें है स्कोप। कैसे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जाओ खुद का बिजनेस लगाओ ने। क्या अभी निजीकरण जैसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसके निजीकरण से भी लोग बोल रहे हैं उससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। अब वो निजीकरण हुआ है सब कुछ हुआ है लेकिन उसमें सब में स्कोप है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। आज एक बंदा है जो अपना खुद का कुछ पर्सनल बिजनेस लगा रखा है, जैसे मान लो कोई पार्ट्स बना रहा है या कोई और किसी चीज़ की फैक्ट्री खोल रखा है, तो वो बंदे तो उसमें काम करेगा जो उसको रोजगार तो मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारे क्या नाम बताएं, कैलाश कुमार कालराम जी जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ अपनी राय बताई जो मोदी ने जो 70 साल में नहीं, जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल 80 साल में जो नहीं किया, उन्होंने सब हिंदू धर्म की सबसे बड़ी डिमांड थी राम मंदिर, वो हो गया। 370 थी, CAA थी, सब कुछ हो रहा है। अब वो तो आज आप ये कहना चाहो यार मोदी ने ये नहीं किया, वो दिन वो नहीं किया, ये कोरोना था, ये कोरोना के मोदी थोड़ी लेके आए, ये तो बीमारी उस टाइम भी बीमारी थी, आज जनसंख्या ज़्यादा उस टाइम कम जनसंख्या थी, उस वजह से वो रिकवरी होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी होते हुए भी इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है जनसंख्या, उसके बाद भी उस यहाँ वर्ल्ड के हिसाब से बहुत कम मौत हुई और रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। तो राम मंदिर जो बन रहा है उसके लिए चंदा फिर मोदी सरकार क्यों नहीं बना रही, उसके लिए चंदा क्यों जुटवा रही। चंदा वो तो आज तो होनी चाहिए, मैं तो ये मानूं मोदी सरकार दे सकती है पैसे के लिए, कोई कमी थोड़ी है, लेकिन चंदा क्यों जुटवा रही है। आज तो होनी चाहिए कि हम जहाँ हमारा स्वाभाविक हमारा जो राम मंदिर बन रहा है तो उसके लिए चंदा दो। उसने मोदी ने कब कहा कि आप 1,000 दो 2,000 दो, आपकी इच्छा अनुसार दे दो, 10 रुपये दो चाहे 100 रुपये दो। वो तो फंड में से भी तो बनवा सकती थी मोदी सरकार, फंड में भी बनवा सकती थी, लेकिन जो आज तक सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ के प्रति, आप जैसे वीर हनुमान मान लो चाहे किसी भी देवी देवता के आज जोड़ते हो प्रार्थना करते हो सुबह शाम प्रार्थना करते हो तो उसे कुछ आज तक रखते हो, जब भी तो करते हो प्रार्थना। तो मतलब राम मंदिर बन रहा है, और भी तो मंदिर हैं, बहुत से मंदिर हैं, राम मंदिर से ही क्या अलग से कोई अलग से कैसे नहीं है। राम मंदिर जो मैन है जो भगवान सब कुछ भगत है उसकी, उसी राम मंदिर की है, राम की है भगत। अच्छा, तो भगवान तो सब जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह हर कण कण में है भगवान, लेकिन वो जो एक आस्था का केंद्र है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने, वर्ल्ड में संसार में पता चलेगी वही वाकई में हिंदू धर्म है कुछ चीज। हिंदू धर्म वैसे भी खूब बड़ा धर्म है, ऐसा कोई बात नहीं है कि राम मंदिर से ही पता चलेगा कि हिंदू धर्म है, नहीं नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी चीज तो है ही, वो तो आज तक सबसे बड़ी चीज मैं तो ये मानता हूँ। और वो आस्था के अनुसार उसी में जो लोग बाग चंदा दे रहे हैं अपनी इच्छा से, उसमें किसी ने यह नहीं कर रखा कि आप 1,000 दो और आपको 2,100 दो या 5,00,000 दो, इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार दे दो। आप चंदा देना चाहेंगे राम मंदिर के लिए? चंदा दे दिया। कितने रुपए दिए? 5,100 रुपये। 5,100 रुपये राम मंदिर के लिए चंदा दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे कैलाश जी थे जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया और इन्होंने ये मोदी सरकार के काफ़ी भक्त लगते हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोदी सरकार के बारे में बड़ाई करी।